पहली वीडियो देखो तभी जाके वीडियो समझ में आएगी, तो इससे पहली वाली वीडियो देख के तब आओ, आपको पूरे लेह की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत तो पानी है, आवाज आ रही पानी बर्फ के नीचे। हाँ, कोई कूद के डूबेगा तब पता लगेगा कितना नीचे। तो लोकल बंदे कूदाएंगे अभी, पता लगा लेते हैं ना पत्थर फेंक के। वाह, फेंका तो वो सही जगह। ना भाई ना, काफी मजबूत है, मजबूत है भाई, चला जा सकता है। ये ना, ये एक्चुअल में बंदे ने पानी लिया तो कोई ग्रार ग्रूप नहीं हुआ कुछ, ये जम गया उस टाइम बंदे का ग्रास की। फुल इस पे चलेंगे अभी हम, फुल फ्रोजन हुई है। हाँ, टायर के इंसान बने हुए हैं, कोशिश नहीं गई हुई है भाई, एंड तक गई हुई है, वो तक गई हुई है, वहां तक एंड तक है। टायरों के निशान पहचान सकते हो? हाँ मैं पहचान सकता हूँ, लोकल बंदा पहचान है। चेक करेंगे हम, इस पे की है सर, गाड़ी की है आर, और मिचलिन के टायर लगे थे सर। मॉडल नंबर भी पता होगा फिर तो। सर मॉडल नंबर 2016 का। ये हमारी टीम बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी सर्टिफाइड टीम बोल रही है, झूठ नहीं बोल रहा। कट कट पानी दिख रहा है ना, आगे मत जाना भाई, पानी नीचे बह रहा है। किसी को पता भी नहीं, हम लोग यहाँ पे पड़े रहेंगे। हल्का ध्यान से सुना है ना, तो पानी की आवाज आ रही है नीचे। हाँ बह रहा पानी। हाँ, जैसे बर्तन के अंदर नहीं आती है, इसके नीचे पानी है, लेकिन कितने नीचे। हाँ कच्चा है भाई, इसके नहीं है वो, आगे लास्ट वाले। नहीं वो भी कच्चा है, नहीं लास्ट वाले में। और वहां बंदा कोई ना, देखो पड़ी है कैन, कल गोरा वाला काम किया है किसने, वहां बैठ के पानी लेके आया वो कैन में। गजब बेइज्जती है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है नीचे। वो नहीं था गुड़ा बाजो बस, कंट्रोल भाई साहब, कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल पूरी हो गई। चले, क्या कच्चा है क्या पक्का है पता लग गया। चले चलो, हम नए गांव की इज्जत करेंगे सर। ये हमने इज्जत करी है ना, ये जो पानी की कमी आ रही है वो इसी वजह से पानी की जम गया सारा। हाँ, जो पानी की कमी आती है ना, जैसे किसी बंदे को पानी की कमी आ रही है यहाँ पे, बोतलों में नहीं मिल रहा है। हाँ, बोतलों में पानी नहीं मिल रहा है। या तो वो ये कारण है सर, पानी ना मिलने का। आओ चलो भाइयों, चलो करने है ना, वो क्या एक्सप्लोर करने लिख जाती है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, चलो एक बार मत्था टेक के आते हैं भाई। तो गुरुद्वारा भी काफ़ी ऊपर जा गया, यहाँ पे आप अगर आओगे तो हर चीज़ आपको ऐसे ही ऊपर चढ़ के जानी पड़ेगी, तो अपनी थाइज वगैरह मजबूत करके आना, अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं उनको बोलने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा छोड़ो, बेइज्जती महसूस करेंगे। हाँ सही सही बात, अपने लिए सब बोल। हाँ नहीं, मैंने धन्यवाद सर गोली के लिए, नहीं तो टैबलेट भी मिल गई अपने को, हल्का हल्का सा कोल्ड हो रहा है। तो भाई गुरुद्वारा पत्थर साहिब को जो है 18 गार्ड रेजिमेंट ने बनाया था, और जो इसकी स्टोरी वो है कि जब यहाँ पे कोई राक्षस रहता था यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे दवा भी मिली है यहाँ पे सिट्रोजन की। तो स्टोरी ये थी कि जब यहाँ पे गुरु नानक देव आए थे, तो यहाँ पे कोई राक्षस रहता था, तो उन्होंने यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन किया था, तो राक्षस ने उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर पीछे से पत्थर फेंका था, जो पत्थर उनको लगने के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया था, और पत्थर ने शेप ले ली थी नानक देव की पीछे से। तो तभी से वो मतलब वो समझ गया कि यार कोई स्पिरिचुअल पावर है, तो उसने भी नानक देव के, हाँ पंगे लेने छोड़ दिए, नानक देव के चरणों में शरण ले ली, तो तभी से गुरुद्वारा पत्थर साहिब का नाम पड़ा है। तो ये
आप देख लो, अंदर तो परमिशन नहीं है बट आप बाहर से देख सकते हो। यहाँ बाइक से कितना मजा आता है यार। Come on. चलो नेक्स्ट टाइम हम बाइक आएंगे, बाइक आएगी यहाँ पे, सुपर स्प्लेंडर, सुपर प्लेटिना, कई सुपर बाइक्स आएंगी यहाँ पे। एक प्रो बाइक भी आएगी जो मैं लेके आऊंगा, पैशन प्रो। बस गर्मियों में रास्ते खुलने की देर है, सभी आएंगे भाई। वो है कमिटमेंट, ड्रिफ्ट मार दे ऑन कैमरा, पढ़ के बता देंगे। वैसे है भाई भाई अपने को तो लग रहा है मैग्नेटिक हिल है, बाकी हम जाके वहाँ देख के बताएंगे, कमिटमेंट नहीं दे रहे। आप समझ जाओ बाकी तो। जैसे कि मेरी याददाश्त कहती है 4-5 साल पुरानी है तो यही है। चलो आप यथेष्ट बोलते हो, हम मान लें ऊपर कौन सी जगह, तो आप फील कर रहे हो ना कि यहाँ से चढ़ाई है, उतराई तो नहीं है। अब हमारी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है और ये सारे पैर हमने हटा दिए। ओहो अभी चल पड़ी गाड़ी, पीछे नहीं जा रही यार, गाड़ी आगे जा रही है। हाँ वो तो गाड़ी आगे जा रही है भाई, ये देखो भाई न्यूट्रल है गाड़ी और गाड़ी खुद आगे जा रही है, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा, खुद आगे जा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हैंड्स प्रूफ, आगे मैग्नेटिक हिल है और लिखा भी है, ये देखो ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। ये सही है यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, प्रूफ हो गया भाई। चलो भाई हमने गाड़ी बंद कर दी है, छोड़ दे अभी देखना, और ये गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया भाई, ये देखो। तो ये लाइनें हैं मेन जहाँ पे आपको गाड़ी अपना गियर से निकाल देनी है। जैसे हमारे भैया हमें जानकारी दे रहे हैं कि साइड के जो लोग थे वो पहले मतलब हाईवे बनने से पहले जैसे गर्मियों के टाइम पे पूरा कट ऑफ हो जाता था उनका इधर इस एरिया सिटी एरिया से, सर्दियों के टाइम पे जब ये नदी जम जाती थी तभी इस पे को चल के वो लोग उधर जा पाते, उनका आने जाने का रास्ता केवल एक ही था, ये नदी जब जम जाती थी इसके ऊपर से चल के भी आते थे, गर्मियों में जब नदी पिघलती है तो उनका आना जाना बंद हो जाता, कट ऑफ हो जाता था एकदम से। तो चलो यार हाईवे बनने से एटलीस्ट उनको आना जाना इजी हो गया और हम लोग भी इसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, अरे बहुत अच्छी चीज एक्सप्लोर की है सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, मान साहब सही बात है, मान साहब लोकल बंदा साथ हो तो यार बहुत फायदा होता है मान साहब। हाँ जी सर, आप दिखा देते हैं लोगों को, एक्सप्लोर करोगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा काम होगा, है ना मान साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे ये हमारे मान साहब जी सर। हेलो सर, एक तो हमारे चौधरी साहब है ना, बहुत अच्छी चीज एक्सप्लोर करने इधर आए हैं, ओके लाइक करो भाई साहब। ये किस चीज की पहाड़ है भाई, नीचे से अलग टाइप के ऊपर से अलग टाइप के, क्या है ये चक्कर गोरा भाई, क्या लद्दाख की लैंडस्केप है। शर्मा जी बोलेंगे, शर्मा जी ये है लद्दाख का मैजेस्टिक लैंडस्केप, मैजेस्टिक देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। मतलब ये क्या, मतलब पल में बदलता है, पल में कुछ भी हो जाता है, पल में सोला, पल में ओला, एकदम बाकी बहुत सुंदर है, बाकी मतलब नजरें नहीं हट रही यार। ये तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वरना मेरा पूरा मन है मैं देखता ही रहूँ बस। नहीं जो साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मान साहब थैंक यू, मान साहब, मान साहब ने बताया आज तो दिल को तसल्ली होगी, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। नहीं सर सच में आपको दिल से सलूट सर, थैंक यू मान साहब, थैंक यू सर, जम्मू भी आएंगे मान साहब आपके पास, श्योर सर आप आइए सपोर्ट करता हूँ। पहुँच चुके हैं तिराई पे, इधर से क्या नीचे जाना, यहाँ से हम जो नीचे जाएंगे रोड जाती है संस्कार वैली, अच्छा सीधा ही जा रही है श्रीनगर, ओके सीधा श्रीनगर निकल जाएगा, पीछे हम आए हैं ले से, अच्छा और श्रीनगर इधर जगह का नाम है संगम, ये संगम है, अच्छा यहाँ पे दोनों रिवर का संगम हो रहा है। श्रीनगर यहाँ से 400 किलोमीटर है, पूरा पढ़ भी सकते हैं, नीचे जाना,
क्योंकि हम संगम पे जा रहे हैं। अच्छा ओके। कैसे मान साहब कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? लोकल बंदा मान साहब श्रीनगर जाने का। ओहो ऑफरोडिंग हो रही है भाई। वाओ वाओ ऑफरोडिंग। अभी हम गौरव जी हमारी गाड़ी सुना देंगे फिर निकलवाएंगे। ये आ रही है इंडस रिवर। वो इंडस है ये वाली वो है क्या नाम बताता वो है वो नहीं है वो ही वाली संस्कार वो वाली नहीं पानी देखो भाई कितना साफ लग रहा है एकदम। अभी नीचे जाके दिखाते हैं।